दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। मेरे पास ये भी 5000 डायनाटेक एम्पलीफायर रिपेयर के लिए आया है। इस एम्पलीफायर में प्रॉब्लम कस्टमर ने ये बताई है कि थोड़ी देर चलने के बाद में ये एम्पलीफायर के दोनों चैनल हीट होने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाते हैं और उसके बाद में प्रोटेक्शन में चला जाता है। तो आज हम इसी को थोड़ा सा चेक करेंगे आखिर इसमें दिक्कत क्या है। और नॉर्मल चलाते हैं कम आवाज़ में तो चलता रहता है, लेकिन फिर भी नॉर्मल में भी चलते चलते धीरे धीरे हीट होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और प्रोडक्शन में चला ही जाता है। तो इसको किसी ने जहाँ से आया है इसके दोनों पंखों को डायरेक्ट किया हुआ है। चलो डायरेक्ट किया हुआ है तो वो हो सकता है इसी वजह से किया हो कि ये हीट हो रहे हैं तो हीट ना हो उसको बचाने के लिए, लेकिन इसकी मेन प्रॉब्लम सॉल्व उसने नहीं करी। तो आज हम चलिए इसको चेक करते हैं कि इसमें आखिर ऐसी क्या दिक्कत है कि ये प्रॉब्लम में आ रहा है। और आप भी सोचें और कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो मैं थोड़ा इसको चेक करता हूँ, फिर मैं आपको आपके सामने ही चेक करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों मैंने इस एम्पलीफायर को ऑन कर लिया है। इसके पंखे भी सुपर फास्ट स्पीड से चल रहे हैं। इसको मैंने दोनों चैनलों को लोड पर डाल लिया है, लोड रेजिस्टेंस लगा ली है। अब हम इसकी सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। अब इसकी मैं इस वाले साइड की वोल्टेज चेक करूँगा। ये इसका बेस, ये एमीटर है इसका, इसके एमीटर पे मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। इसके एमीटर पे आ रही है 63 वोल्ट। इस एम्पलीफायर में लो सप्लाई आती है 70 वोल्ट और हाई आती है इसमें 140 वोल्ट, मतलब लो से डबल होती है हमेशा हाई। तो पहले इसमें वोल्टेज आ रही है 63 वोल्ट जबकि इस पे आनी चाहिए 70 वोल्ट। चलो कोई बात नहीं, 63 वोल्ट आ रही है इसी का। अब मैं इसकी वॉल्यूम खोल रहा हूँ, लोड पे है ये, तो ये वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। तो लोड पे इसकी पंखे की स्पीड भी कम हो गई और ये सप्लाई भी कम हो गई, जबकि इसकी वॉल्यूम बढ़ाने पे बढ़नी चाहिए। ये अब 56 है, अब ये 65 है। अब इस टाइम पे हाई वोल्ट काम कर रही है तो हाई वोल्ट भी इसकी 140 वोल्ट आनी चाहिए, 140 नहीं तो 100 वोल्ट तक पहुँचनी चाहिए, लेकिन ये 72 वोल्ट तक ही पहुँच पा रही है। अब जब 100 वोल्ट तक तो जानी चाहिए तो ये नहीं जा रही। तो एक तो ये मेरे को नजर आ रहा है इसके जो सप्लाई है इसमें दिक्कत है। जो सप्लाई है इसकी, जो मेन सप्लाई आती है जहाँ से फिल्टर कंडेंसर वगैरह लगाए होते हैं, वहाँ से इसमें प्रॉब्लम मेरे को दिख रही है। अब मैं वॉल्यूम कम करता जा रहा हूँ तो वोल्टेज 63 हो गई है। अच्छा, अब इसी कंडीशन में मैं सप्लाई वहीं पर लगा रखी है मैंने अपने मीटर की तार, दूसरे वाले ये वॉल्यूम मैं खोल रहा हूँ, ये दूसरे वाले की मैं वॉल्यूम खोल रहा हूँ, तब भी इसमें सप्लाई में ड्रॉप आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये बता रही है कि इसका जो मेन फिल्टर मेन सप्लाई वगैरह है उसमें इसकी में प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम चलाते हैं इसको तो इसमें वोल्टेज में ड्रॉप आ जाता है और हम उसको पूरी तेज़ आवाज़ में चलाना चाहते हैं या सिग्नल तेज़ दिया हुआ है, तो उससे क्या होगा कि ये इसके चैनल हीट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एम्पलीफायर में ये सिस्टम बना होता है कि हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो उसको सप्लाई भी बढ़नी चाहिए ताकि एम्पलीफायर की आवाज़ पूरी तरीके से मिल सके, लेकिन इसमें ये वाली दिक्कत मुझे नज़र आ रही है। अब इस टाइम पे मैं दूसरी साइड वाले की वो बढ़ा रहा हूँ वॉल्यूम कंट्रोल,
दूसरे चैनल की, ये वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ दूसरे चैनल की, तब भी इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो ये ड्रॉप आ रहा है। और चलो इस वाले की भी मैं बढ़ा के देखता हूँ। अब मैं दोनों की बढ़ा रहा हूँ, मैंने एक की बढ़ा चुका हूँ, दूसरे की भी बढ़ा दी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इसमें, आप देख सकते हैं। इस टाइम पे लोड पे है और मैंने इसके लोड मैंने इसका कम कर दिया है, तो इसके दोनों साइड के मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहे हैं। तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, इसकी जो मेन सप्लाई है जहाँ पे फिल्टर कंडेंसर वगैरह लगते हैं, वहाँ से कुछ दिक्कत मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि अगर वो ठीक होती तो ड्रॉप आता नहीं, उसमें प्रॉब्लम है, तभी इसमें बार बार ड्रॉप आ रहा है। दूसरे चैनल की वॉल्यूम घोल रहे हैं तब भी ड्रॉप आ रहा है, और सप्लाई तो एक ही जगह से आ रही है ना इनकी दोनों की। तो पहले इसकी सप्लाई की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी ताकि इसकी वोल्टेज ड्रॉप ना हो। तो उसके लिए इसके फिल्टर कंडेंसर वगैरह चेक करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से इसके फिल्टर कंडेंसर वगैरह कोई ना कोई लीक है, ख़राब है, उसकी वजह से यह प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको हम ठीक करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद ही आपसे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।